बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप। आपको बता दूं कि आज सिवान नगर परिषद का चुनाव चल रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि ठंड आज काफ़ी है और उसके लेकर के थोड़ी बहुत जो मतदाताओं में जो भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ कम है। अभी हम लोग सिवान के ये सब्जी मंडी श्रद्धानंद बाज़ार का जो इलाका है, रामेश्वर संस्कृत उच्च विद्यालय, यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने नगर परिषद चुनाव को लेकर के अच्छी खासी सुरक्षा की व्यवस्था की है, लेकिन आपको ये ठंड के मौसम के कारण जो लोगों की, जो मतदाताओं की भीड़ होनी चाहिए थी, जिस तरीके से बूथ पे वो दिखाई नहीं पड़ रही है। एक बार हम आपको अंदर भी ले चलेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि अंदर भी इस बूथ पे लगभग 4 बूथ बनाए गए। आप देख सकते हैं कि ये राष्ट्रीय राजकीय प्राथमिक विद्यालय गणेश मेमोरियल ये बूथ है और यहाँ पे शायद 4 बूथ यहाँ पे भी है। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, आज सुबह से काफ़ी ठंड आज बढ़ी हुई थी और उसके लेकर के सुबह में काफ़ी लोग नहीं निकले हुए थे। बहुत जो बूथ पे हल्का भीड़ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये भीड़ बढ़ता जा रहा है। और देखिए कि ये जागरूक, हमारे सिवान की जागरूक महिलाएं हैं जो अपने मत का प्रयोग कर करके यहाँ पे आई हुई हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। मैडम, नाम बताइए पहले अपना। सीमा देवी। सीमा देवी, आपने वोट दे दिया, क्या सोच के दिया, आखिर क्या मुद्दा बना इस बार चुनाव में, क्या चाहती हैं आप, कैसे लोगों को लाना चाहती हैं? लाना तो ये कि विकास हो, कोई भी जीते विकास होना चाहिए। ये नगर परिषद का चुनाव है और आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव प्रचार में नगर परिषद में बहुत सारा घोटाला हुआ है। अब लोग नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए। आपको लगता है कि जब नए लोग जिनको आपने वोट दिया है वो लोग आएंगे तो ये विकास होगा और ये घोटाला बंद होगा सब? हाँ, उम्मीद तो यही है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। सोच के आदमी देता है, थोड़ा सा आगे आ जाए। नहीं नहीं ठीक है, आप बोलिए ना। तो देखिए, आपकी बातें सुन करके बहुत सारी महिलाएं जागरूक होंगी। मतलब हम लोग यही सोच के डालते कि देश का विकास हो और समाज का सही सब सफाई रहे। और क्या, गंदगी है, शिक्षा के प्रति कोई वही नहीं है। सिवान का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है भ्रष्टाचार नगर परिषद को लेकर के। आपको लगता है कि इस बार ये सब बदलाव होगा? अब देखिए, अब उन लोग पर डिपेंड करता है, हम लोग का काम है जो वोटिंग कर। कहाँ आपका मकान हुआ? जी, कसेरा टोली। कसेरा टोली में बड़ा गंदगी दिखाई देता है उस इलाके में। तो बहुत है, चारों तरफ गंदगी बहुत है, नाली जो है सब बंद पड़ा हुआ है। यही सब सोच करके हम लोग वोट डालते हैं कि साफ सफाई हो, शिक्षा पे भी थोड़ा ध्यान दें। बस नाम बता दें। सोनी देवी। आप तो इतना अच्छा बोलती हैं, बाला देवी। आइए बाहर चले होते बाबू, चलो चलो। और ये देखिए, ये महिलाएं हैं, बाला देवी हैं। पहले तो वो माइक के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन बड़ा अच्छा बोली। और ऐसे लोगों को जागरूक होना चाहिए अपने सिवान के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति। ये सिवान शहर है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो सफाई होनी चाहिए थी, जो नाले का विकास होना चाहिए था, जो सड़क का विकास होना चाहिए था,
वो नहीं हो पाया, और इसके लेकर के इस बार का जो चुनाव है वो कई अंदाज में अलग सा दिखाई दे रहा है। इस बार जो चेयरमैन का जो चुनाव है मुख्य पार्षद का, वो जनता सीधे चुन रही है। मैडम एक सवाल और करेंगे आपसे कि हमेशा जो चेयरमैन का चुनाव पार्षद लोग चुनते थे और इसको रोकने के लिए उसमें भ्रष्टाचार भी होता था, उसको रोकने के लिए इस बार सरकार ने कर दिया कि नहीं चेयरमैन भी आप ही लोग चुनेंगे, तो आपको क्या लगता है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा? ना तो चाहिए, अब इसको रोकने के लिए तो ये सब प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, अब उन लोग के ऊपर निर्भर करता है कि क्या काम करते हैं, अगर अच्छा काम हो रहा है। नहीं, पहले पहले ये होता था कि एक वार्ड से वो चुनाव लड़े और करोड़ों खर्चा करके वो फिर पार्षद बन गए, चेयरमैन बन गया, उसके बाद से वो लगे अपना अपना निकाल दे, तो वो इस बार सीधे जनता चुन रहे हैं, तो ये तो रुकना चाहिए। आप रुकना तो जरूर चाहिए, अब आने वाले समय पे में देखना है कि क्या होता है, रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, लेकिन रुकना चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए। ये भ्रष्टाचार की जो गंगा है जिससे सिवान कलंकित हुआ है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती कलंकित हुई है, ये अब रुकना चाहिए। अब लोगों को विश्वास है कि सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है कि अब मुख्य जो चेयरमैन का जो चुनाव है वो सीधे जनता करेगी, तो ये इस बार उसी आधार पर चुनाव हो रहा है। अब देखना है कि आगे की जिस तरह से सिवान कलंकित हुआ है, ये अब कलंक कथा जो है ये रुक रही है या ऐसे ही आगे बढ़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान नगर परिषद क्षेत्र संख्या 11 से शांति यादव का आज अंतिम दिन चुनाव प्रचार पूरी तरीके से आप देख सकते हैं पूरी शक्ति के साथ हुआ, और ऐसे में आप इस तस्वीर को देखिए कि कैसे इस वीडियो में शांति यादव जो अर्जुन यादव की पत्नी है और डॉक्टर यादवेंद्र यादव की माँ है, इनका लगातार जो दौरा चला, लेकिन अंतिम दिन वार्ड के लोगों ने किस रूप में इन्हें अपना समर्थन दिया, इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। शांति यादव एक रिटायर्ड शिक्षिका है और पढ़ी लिखी जुझारू महिला है जो कि वार्ड संख्या 11 से चुनावी मैदान में है, और समाज से जुड़े जो रहे हैं अर्जुन यादव उनकी पत्नी है, डॉक्टर यादवेंद्र यादव जो कि एक अच्छे चिकित्सक हैं उनकी माताजी हैं, और आप देख सकते हैं कैसे वार्ड संख्या 11 में शांति यादव को पूरा समर्थन लोगों का मिला। तो बिल्कुल एक बार फिर से बता दें कि चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और ऐसे में शांति यादव को लोगों ने भरपूर तरीके से सहयोग किया और पार्षद बनाने के लिए कहा कि इस बार रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीत दिलाएंगे और आपको वार्ड संख्या 11 का पार्षद बनाकर नगर परिषद में भेजने का काम करेंगे। एटीएन लाइव के लिए रिशु के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर एके सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आहाना हॉस्पिटल डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। अब दाद, खाज, खुजली एवं दिनाए का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबुजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा बेहतर इलाज। तिल, मासा, इला हटाना,
मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, बाल प्रत्यारोपण, अनचाहे चेहरे का बाल लेजर से हटाना, चेहरे के गड्ढे को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आशिया शब्बीर हेल्थ केयर, डॉक्टर अबुजर हुसैन, पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास सिवान। मोबाइल नंबर है 7970864200। दूसरा नंबर है 7541900596। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो भी सब जिस पेशेंट को रिकमेंड कर रहे हैं बीएमडी का बोन मिनरल इंटेंसिटी, उसका फ्री जांच हो रहा है पेशेंट को, ताकि जैसे बहुत पेशेंट है, गरीब पेशेंट जो नहीं करा पाते हैं, पैसा से चूँकि जांच थोड़ा महंगा होता है, तो हम लोग इसको फ्री कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मैनकाइंड की तरफ से। कहाँ पे? मैनकाइंड की तरफ से डॉक्टर हिमांशु कुमार हैं, इनके यहाँ हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस पर एड्रेस धरकन क्लिनिक छपरा, जितेंद्र राय जो विधायक हैं उनके कैंपस में हिमांशु कुमार सर के पास बीएमडी का फ्री कैंप का ऑर्गेनाइज कराया गया मैनकाइंड फार्मा के तौर पर। कहाँ पे हो रहा है? डॉक्टर हिमांशु कुमार